किसानों के आंदोलन को देखते हुए राकेश टिकैत भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ किसान भवन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी किसानों को एक साथ आकर मांगों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार उनकी मांगों के प्रति ईमानदार नहीं है और वह पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए गंदी चालें चल रही है। आइए दिखाते आपको हमारे संवाददाता संतांशु शर्मा की रिपोर्ट। रिक्वेस्ट कहते ही पहुंच चुके ने मीटिंग से। कैसा कि मैं देख लो मीटिंग से पहुंचे कैसा कैसे देखे जो हाँ जो आंदोलन चल रहा है कैसे देखे उसको करके किसान को भी गोली लगी है। हाँ गोली लगी है एक किसान के भी गोली लगी दुखद घटना है और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। एसकेएम देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टर के साथ में थे। परसों भी हमारी हर रोज मीटिंग है और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है हमारे सबके मुद्दे एक है किसान के। अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पर काम करेंगे। हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहां पे जाना है, बाहर से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है, क्योंकि जो वहां की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है। कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी अभी इनकी बातचीत हुई होगी तो क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। जो जो शुगर केन पे प्राइस में हाई किया गया है कहा जा रहा है ₹5 फार्मर्स को पीछे रखने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं कोई फार्मर्स नहीं, वो भारत सरकार ने रेट बढ़ा है उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी ज्यादा है, लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट है उनको इसका फायदा रहता है। तो आप वेलकम करते हैं ₹5 बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को ₹5 बढ़ा है मिला है ये वहां को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही जाते हैं, पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का जाता है। यहाँ पर तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 370 के आसपास। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा किसानों को अन्नदाता को ऊर्जा दाता के साथ साथ उर्वरक दाता बनाने का भी लक्ष्य है, हम बनाना चाहते हैं। कैसे बनाओगे? खाद बीज महंगा करके फसल के रेट कम देके ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आधे में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जा दाता। भाई फसल लूट ली मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीन कर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बता रहे कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मछली है वो देंगे और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ सर, जो केंद्र सरकार ने ऑफर दिया था कि 5 फसलों पे हम क्यों दे 5 फसलों पे? पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही के पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसल को भी मिलना चाहिए। हमने कहा कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो, दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली मीट अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए, लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें है उसी को ही कानून बना दो। दिल्ली मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे साहब लोग? दिल्ली तो गाजियाबाद से सोनीपत से बहुत नजदीक है। देखो हम ये हैं कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं, दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी और वो कितने दिन बाद में मान लेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। हाँ जी बताओ कहाँ जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ।
अभी रह रहे हाँ पिछले समय तो सी हाजू वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहाँ एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी वही लंगर और वो डाल दें सब जमे और फिर जब बातचीत हो जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है, हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी है, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे है, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे हैं, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बढ़ जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खासकर का धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। बिल्कुल इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई। इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहां किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, मौसा हम इकट्ठे आए, दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। यहाँ पे अभी देखेंगे किस किस का है, कौन नहीं। हम तो नहीं, हम तो हमने तो बार बार कहा है कि सब भाई इकट्ठे हो जाओ। हमको पूरा पंजाब मानता है, पूरे देश का किसान पंजाब को मानता है। पंजाब अलग थलग ना पड़े, ना पंजाब की जत्थेबंदी अलग थलग पड़े। सिर्फ सिख कौम को जिस तरह से बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इसका असर सीधा किसानी पे पड़ेगा, पंजाब पे पड़ेगा। भारत सरकार चाहती है कि आंदोलन इलेक्शन के बाद तक लंबा चले, जिससे किसान और सिख समाज को बदनाम कराया जा सके। यह उनकी साजिश है, उसकी गिरफ्त में नहीं फंसना चाहिए।